अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे हमारा चैनल है मैथमेटिज्म। इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटा बजा दें। और मैं आपसे जैसे कि शेयर कर रहा था कि हमारा एड मैथ का सिलसिला जारी है, तो टॉपिक वन हमने पढ़ लिया था सर्ड्स, और उसके 8 वॉल्यूम हुए थे। और आज हम पढ़ रहे हैं इंडाइसेस। इंडाइसेस हम पढ़ेंगे और इसका जो है हम आज पार्ट वन पढ़ रहे हैं इस इंडाइसेस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंडाइसेस का हमारा पार्ट वन चल रहा है। तो अब हम इसके कुछ बेसिक रूल वगैरह पढ़ेंगे। अच्छा, एक रूल होता है इंडाइसेस में सेम बेस। जैसे इम्पोर्टेंट ज़रा देखिए, एक रूल होता है इंडाइसेस में सेम बेस। अब सेम बेस में क्या है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन। देखिए बेस दोनों की सेम है, तो इसमें पावर्स को हम प्लस कर देते, ठीक है। और दूसरा इसी में आ जाएगा ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन। ये डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, इनमें पावर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, अब दूसरा रूल जो है वो है सेम पावर। सेम पावर का रूल जरा देखिए आप, मैंने लिखा ए की पावर पी मल्टीप्लाई बाय बी की पावर पी। अब जरा इसमें आप देखें कि बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इसमें आप ए और बी को ए की ब्रैकेट में लिखे एक पावर लगा दें। इसी में दूसरा है ए की पावर पी डिवाइडेड बाय बी की पावर पी, आप इसको एक ही डिवीजन में लिख के ऊपर स्मॉल पी लगा दें। तो ये है स्टूडेंट इसके कुछ कॉन्सेप्ट, जो बेसिक इसके लॉ है, इंडाइसिस का लॉ समझ लें, तो ये इंडाइसिस का लॉ है। अब हम तीसरी चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि अगर इसी रूल से एक चीज़ निकली है, अगर मैंने लिख दिया है 9 की पावर x प्लस 2, तो आपको मैंने कहा था कि जब बेस सेम है तो पावर ऐड हुई, तो इसका मतलब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 2। देखिए दो बेस सेम हुई थी जब ही ये प्लस होके यहाँ पर लिख दिया गया। इसी तरीके से अगर मैं x की पावर लिखता हूँ, x की पावर मैं लिखता हूँ p माइनस 3, तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 3, या मैं यूँ भी लिख सकता हूँ x की पावर p माइनस 3 को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ x की पावर p डिवाइडेड बाय x की पावर 3। तो ये स्टूडेंट इसकी जगह हम ये कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ एक सवाल करते हैं, उस सवाल में पावर को लिखने का तरीका देखते हैं। एक सवाल मैं बताता हूँ आपको, उसमें हम एक काम करते हैं, ठीक है, हमारा यही चल रहा है, इसी में पार्ट वन इंडाइसिस का ही चल रहा है हमारे पास। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मुझे पावर में लिखना है, जैसे एक सवाल है जो पेपर में भी आया हुआ है, एक्सप्रेस 9x पावर 1 एज अ पावर ऑफ 3। तो अब एक काम कर सकते, इसको पावर 3 में कन्वर्ट करना है, तो अब एक काम मैं आपको बता सकता हूँ। ये तो लिखा हुआ है 9, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 जो है वो 3 की पावर 2 है, तो 9 3 की पावर 2 का मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब है 3 की पावर 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1। अब इसी तरीके से हम इसको 9 को हम 3 लिख सकते हैं, तो यानी कि 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और बाहर मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1। तो इसको मैं अगर मज़ीद इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, कि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, एक और रूल है a की पावर m और बाहर है n, तो हम लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो अब ये यहाँ पर पावर को पावर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखा गया 3, इधर 2 को मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 2।
अब इसको और भी सिंपलीफाई करके हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, क्योंकि ये अलग हो गए जब भी इसमें प्लस किया तो। लेकिन हमने इस पूरे सवाल को 3 की पावर में कन्वर्ट किया, ये भी कर सकते हैं और अलग से भी यू लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था एक्सप्रेस करें सवाल को एज अ पावर ऑफ 3। तो ये हमने इसका कॉन्सेप्ट सीखा। इसी तरीके से इंडाइसिस में एक रूल और भी इसका आगे आ रहा है, वो ये है कि अगर इसको हम लिखना चाहते हैं एक ही पावर, पावर जो आ जाएगी वो इस तरीके से आ जाए 3/4। अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? रेडिकल फॉर्म मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर जो रूट के अंदर आ जाता है उसको हम कहते हैं। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ये पावर है, ये इसकी पावर है, और ये जो है ये रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ए की पावर 3, तो अब ये जो रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें रूट डाल के ये छोटा सा ये 4 बाहर लिख दें, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। एक और चीज़ देखते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ टी की पावर 2/5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले तो रूट डाल दें, ये 2 जो है ये पावर है और 5 जो है ये इसका रूट है। तो ये इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस पावर के अंदर, ठीक है। अब अगर एक सवाल में अगर आपको ये दे दूँ 27, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, अगर मैं इसका रूट दे दूँ 27 की पावर 2x और मैं बाहर 3 लिख दूँ, अब मैं आपको कहूँ कि इसको कन्वर्ट कर दें इंडेक्स फॉर्म में, और फिर बाद में इसको हम वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे ऊपर जो हमने कन्वर्ट किया कि पावर ऑफ 3 में कन्वर्ट कर दें। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको उसके पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो पावर है और ये रूट है, तो मैं लिख सकता हूँ 27 की पावर 2x और ये रूट है, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब इस पावर को पावर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, अभी मैंने आपको रूल बताया 2x/3। अब इसको हमने एज अ पावर ऑफ 3 कन्वर्ट करना है, एज अ पावर ऑफ 3 ये कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 27, 3 9 9 27, तो 3 की पावर 3 होगा। तो आप ज़रा देखते हैं, तो इस पे मैंने लगाया इस 27 की जगह मैं लगाऊंगा 3/3 और बाहर लिखा हुआ है 2x/3, ठीक है। अब ये पावर पावर से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 लिखा 3 × 2x/3, इससे ये कैंसिल हो गया। अब एज अ पावर ऑफ 3 ही आंसर चाहिए, तो 3/2x, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। और इसको हम यू भी लिख सकते हैं 3/2, बाहर x लिख सकते हैं। अच्छा एक बात आपको और बता दूं इसी में, अगर कभी 3/2x है तो ये इसी के इक्वल होता है अगर 3/x हो और बाहर 2 आ जाए। ये हमें यूज़ करवाया जाता है जब हमें 3/x को कहीं सब्सटीट्यूट करना हो। तो डियर स्टूडेंट, ये है मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको इंडाइसिस का। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हमारे मैथमेटिज्म चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।